25 मार्च से 31 मार्च तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च माह के आखिरी सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन होंगे 25 से 31 मार्च तक, इस सप्ताह में किन ग्रहों की युति होगी, किस ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, किस युति का प्रभाव आपके लिए किस तरह से होगा, सारी जानकारी इन 7 दिनों के बारे में आपको विस्तार से मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, मार्च का आखिरी सप्ताह है और इस सप्ताह में होली का पर्व भी आने वाला है जो कि 25 मार्च को ही है। लेकिन इस सप्ताह में और भी कई चीजें हैं, क्योंकि कई ग्रहों की युति एक साथ होगी। सबसे पहले तो मैं बात करूं 31 मार्च की। 31 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन है जो कि मीन राशि में है। शाम को 4:54 पर होगा। शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मीन राशि में अगर आप देखें तो पहले से ही राहु मौजूद है, सूर्य भी मौजूद है, तो यहां एक तो त्रिग्रह योग बन जाएगा जो कि राहु के साथ 31 मार्च से शुक्र के आने से, सूर्य के साथ होने से त्रिग्रह योग बनेगा, और ये त्रिग्रह योग काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। लेकिन 31 मार्च तक, ये तो सप्ताह का अंतिम दिन है, तब तक कुंभ राशि में मंगल शुक्र और शनि विराजमान रहेंगे, तो आपके लगन में त्रिग्रह योग बना रहेगा। अब ये जो त्रिग्रह योग है, ये इस पूरे सप्ताह में इनके द्वारा क्या रिजल्ट आपको देने वाला है, और जो योग बन रहे हैं, देखिए चंद्र ग्रहण भी इसी सप्ताह में है जो सप्ताह के पहले दिन है। 25 तारीख को होली का, जो दुल्हंडी के नाम से भी जानते हैं, उसका दिन है, और ये चंद्र ग्रहण इस दिन होगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा और उसका बहुत अधिक सूतक भी नहीं लगेगा, यानी सूतक तो लगेगा ही नहीं, लेकिन जब ग्रहण हुआ है तो प्रभाव जरूर होगा। किस तरह से होगा, क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, चलिए विस्तार से हम बात करते हैं। तो देखिए, सप्ताह की मैं बात करूं, चंद्रमा कहाँ विराजमान होंगे, चंद्रमा इस दौरान कन्या राशि में विराजमान होंगे। कन्या राशि जो केतु के साथ युति होगी, लेकिन शनि आपके लगन में विराजमान है, तो इस राशि के वो जातक जो थोड़ा 60 अबव हैं, उनको अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो अच्छा है। लेकिन इस सप्ताह में कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा। और पहले तो आपके फर्स्ट हाउस में आपकी लगन में शुक्र बैठे हुए हैं, शनि भी बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हैं। मंगल रिजल्ट तो अच्छे देंगे, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, लेकिन साथ ही ये क्या करेंगे, आपको आपको जल्दबाजी में आपको कार्य करा सकते हैं, जल्दबाजी में आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने काम के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। इस सप्ताह में आप, मैं ये भी कह सकती हूँ कि सप्ताह में आप चमकेंगे, करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, सफलता को सामने आता हुआ देखेंगे, आपके अंदर समर्पण की भावना होगी, प्रशंसा दूसरों की आप करेंगे, लेकिन सम्मान आपको मिलेगा, और संभावित जगह से आपको धन की लाभ की प्राप्ति भी होगी। आप ऑर्डर लेते हैं तो बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, जो आपके व्यवसाय में तेज गति लाने का प्रयास करेंगे, और जो आपके पेशेवर लक्ष्य हैं उनमें स्पष्टता बनी रहेगी आपको, जिससे आपको आगे जाने के मौके मिल सकते हैं, जिससे आपको आगे अपने काम को बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अपने करियर में सफलता जरूर मिलने वाली है। यहां होता है कि ग्रह आपको देना चाहते हैं, जो युति बनी है वो आपको देना चाहती हैं, लेकिन वो कब देंगी, जब आप उस चीज को एक्टिव करेंगे, जब आप उस चीज को अमल में लाएंगे, आप काम करेंगे उसके रिजल्ट देने के लिए, तभी तो आपको चीजें प्राप्त होंगी। आपको ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपके ही समान विचारधारा के होंगे, और जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे, अपने दृष्टिकोण को आप साझा करेंगे, तो आपके हक में ये चीजें रहेंगी। आप अपनी बौद्धिकता का तो लाभ उठाएंगे ही, लेकिन साथ में दूसरों की बौद्धिक ऊर्जा भी आपके काम आएगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि कल्पना की उड़ान को आप छोड़ें। कल्पना की उड़ान अच्छी है, लेकिन तब जब आप उसको पाना चाहते हैं, तो आप उन चीजों पर काम करें जिन चीजों
के द्वारा आप आगे जा सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, आपका मेलजोल बहुत उपयोगी होगा, आपका जो सोशल सर्कल है वो आपका बहुत अच्छा होगा, और साथ में आप रोमांचक अवसरों के द्वार भी इस सप्ताह में खोलने वाले हैं। देखिए बिजनेस करते हैं जो भी इस राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। सहयोगी परियोजनाएं रहेंगी, नेटवर्किंग आपकी फलदायी रहेगी, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं, और साथ में आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा। जब दृष्टिकोण बदलेगा तो अच्छा भी रहेगा। और इसके अलावा यात्राओं का भी योग यहाँ बना हुआ है, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों आपको यात्राएं भी कराने वाले हैं, लंबी यात्राएं आपके लिए कराने वाले हैं। जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। एक तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर उनको कोई अवसर मिल रहा है और उस अवसर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अवसरों से वंचित भी रह सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। इस राशि के जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेल कूद में समय व्यतीत करने वाले हैं, जिसके कारण आपको उन्हें देख कर निराशा हो सकती है। तो आप कुछ ऐसे नियम ज़रूर बनाएं कि आपको जितना खेलना है उतनी आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सिखाएंगे तब तक आप परेशान होंगे और बच्चा नहीं सीखेगा, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी अपने जो लाभ प्राप्त करने की स्थिति है उनको मजबूत कर पाएंगे, कुछ नया करने का भी विचार आपके मन में आ सकता है। और जब आप नया कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है एक मजबूत नींव बनाना, एक अच्छी रणनीति तैयार करना, ताकि सही निर्णय लेकर आप उन चीज़ों पर काम कर सकें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। अब घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा तो धन खर्च का भी योग बना हुआ है। सेकंड हाउस में जो धन का भाव है वह शुक्र है, जो धन संपत्ति देने का कार्य करेंगे। राहु है वो धन के लिए अच्छा है, चाहे किसी भी माध्यम से आए लेकिन धन दिलाएंगे आपको, लेकिन सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं और सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो धन तो आएगा, पैसा तो आपके पास आएगा, यहाँ स्थिति ये होंगी चाहे कैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन धन आप कमाएंगे, बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल भी करेंगे, बुद्धि बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी। इस समय अवधि में आप, अगर मैं बात करूं, देखिए परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन धन कमाने के गलत रास्तों को बिल्कुल भी नहीं चुनना है। सट्टेबाजी से दूर रहना है, शेयर मार्केट से दूर रहना है, और किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट में सोच समझ कर, दूर रहने का मतलब सोच समझ कर आपको इन चीज़ों पर प्रयास करने हैं, क्योंकि स्थिति आपके मन में रहेगी कैसे धन कमाएं, कैसे पैसा आए, कैसे इस पैसे को डबल करें, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली हैं। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, इस सप्ताह में चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, आप अपने हिसाब से सप्ताह में काम कर सकते हैं, अपने करियर पर भी ध्यान देखेंगे और सफलता तो वाकई में आपको मिलने ही मिलने वाली है, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ये जो त्रिग्रह योग बनाए ना, आपकी लगन में अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी जो शुक्र का राशि परिवर्तन होना है 31 मार्च को, जो कि आपके सेकंड हाउस में होगा, राहु के साथ शुक्र की युति होगी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं आई बटन में भी उस वीडियो को डाल दूंगी। और इस सप्ताह में एक कार्य आप ज़रूर करें थोड़ा सा, और कि जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी सेवा अगर आप करेंगे, उनका आशीर्वाद अगर आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए सप्ताह के जो मध्य का समय होगा ना, 27, 28, 29, ये 3 दिन आपके लिए ऐसे समय होंगे जब आपको राहत भरे परिणाम मिलेंगे और आपके जो बिगड़े काम हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। किसकी कृपा से? वरिष्ठों की सलाह से। और धर्म अध्यात्म में भी आपका मन लगने वाला है। और जो अंतिम 2 दिन है, या मैं कहूँ 3 दिन है, 29, 30, 31 का दिन है, ये एवरेज से बेहतर रहेगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए रहेंगी। तो बस बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।